मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते हैं आज की सबसे बढ़िया और ख़ास खबर की तरफ। एक ऐसा वाकया कि क्यों हुई इन तीन नौ युवकों की मौत, क्या वजह है इनकी मौत के पीछे, ये जानते हैं आज। महाराष्ट्र के जालना ज़िले के परसखेड़ पिंपड़े गांव में एक ऐसा अनहोनी वाकया हो गया है जिसको सुनकर आप हैरतअंगेज हो जाएंगे। परसखेड़ पिंपड़े गांव में रात 8 बजे बुध के दिन रात 8 बजे का एक वाकया है। रात में 8 बजे एक जाधव परिवार के तीन नौजवान जो गेहूं को पानी देने के लिए अपने खेत में गए, और खेत में जाने के बाद में उसमें का ज्ञानेश्वर अप्पा साहेब जाधव ये जब कुएं में उतरा है कि अपनी पानी की मोटर को चेक करने के लिए, पानी की मोटर को चेक करते समय उसका जो करंट का वायर रहता है, एमएससी का जो वायर रहता है, ये वायर का करंट पानी में उतरने की वजह से उसे शॉक लग गया, और शॉक लगने की वजह से ज्ञानेश्वर जाधव ये बौली में कुएं में गिर गए। कुएं में गिरने के बाद में पीछे ऊपर जो दो भाई खड़े थे, ये दो भाई परेशान हो गए और उन्होंने आनन फानन में कुएं में छलांग लगा दी अपने ज्ञानेश्वर भाई को बचाने के लिए, जिसमें सुनील जाधव और रमेश जाधव ये दोनों भाइयों ने आनन फानन में कुएं में अपने भाई को बचाने के लिए छलांग लगाने की वजह से, करंट लगने की वजह से इन तीनों की जगह पर ही मृत्यु हो गई है। इस बात का बड़ा अफसोस है कि ये तीन नौजवान जो गेहूं को पानी देने के लिए अपने खेत में गए हुए थे, मोटर चालू नहीं होने की वजह से एमएससीबी की जो वायरिंग है कुएं के पानी में उतरने की वजह से इन नौजवानों की मृत्यु हो गई, डेथ हो गई है। ये अफसोस का मुकाम है और इन्हें इनके परिवार के लिए मुख्यमंत्री सहायता निधि से मदद की भी गुहार लगाई गई है। ये न्यूज़ कवर किए हमारे खास प्रतिनिधि सैयद मुजाहिद सैयद हमीद इन्होंने। आइए देखते हैं क्या माजरा है और क्या मांग की यहाँ के किसानों ने इस बारे में। शेतकऱ्याचा बळी गेला म्हणून माझी तुम्हाला हात जोडून विनंती की शेतकऱ्याचा अंत पाहू नका। दिवसा जर लाईन दिली असती तर शेतकऱ्याचा बळी गेला नसता। तीन सख्खे भाऊ या परिवाराचं करायचं काय? हा परिवार उघड्यावर पडला तुमच्या चुकीच्या धोरणामुळे, तुमच्या खरगट्या लाईनमुळे। तुमची रातची सुद्धा लाईन चांगली नाही। जर दिवसा 5-7 घंटे शेतकऱ्याला लाईन दिली असते तर तीन भावाचे बळी तुम्हाला समोर दिसले नसते। म्हणून ऊर्जा मंत्री मुख्यमंत्री साहेब, या शेतकऱ्याला मदत तर मिळालीच पाहिजे, परंतु या शेतकऱ्याचे पूर्ण न्याय हक्क आणि लाईन जर चांगली असती तर ही वेळ आली नसती। म्हणून एमएससीबी वर गुन्हा दाखल करून या शेतकऱ्याला जोपर्यंत न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही या बोळे हात लावू देणार नाही, आणि परत एमएससीबी वर गुन्हा दाखल झालाच पाहिजे। आणि मुख्यमंत्री साहेब, तुम्ही ताबडतोब राजीनामा द्या, कारण तुम्ही या राज्याचे मायबाप आहे, आणि बळीचे असे बळी जर पडत असाल तर काय कामाचे। म्हणून लाईनीच्या या चुकीच्या व्यवस्थामुळे या शेतकऱ्याला न्याय मिळवून द्या, आणि तमाम महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्याची अशी बळी तुम्हाला होऊ द्यायची नसेल। एका घरातले तीन भाऊ मेले, तीन भाऊ। मैं हूं सैयद अखिल, आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाज़त, जय हिंद। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिर्जा मेस, सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुफ्त लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। SBS English Speaking Classes, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभनी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कॉन्टैक्ट करें SBS English Speaking Classes, मोबाइल नंबर 9823797828। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभनी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए, इस दीपावली पर विशेष ऑफर पाए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। अगर आपके पास, आपके पड़ोस में किसी को मूलव्याद है, बगंदर है, नासूर है, तो आप फिक्र ना करें, डॉक्टर राव से कॉन्टैक्ट करें। ये उनका पता है, साई क्लिनिक व नर्सिंग होम, गवाने चौक, परभणी। डॉक्टर राव को 40 साल का तजुर्बा है, गवाने चौक, परभणी। मोबाइल नंबर 9890090925। सेकंड नंबर 9420
6219924। परभणी आज तक, आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। आपकी आवाज परभणी आज तक। आप हमें Facebook पर भी फॉलो कर सकते हैं। सैयद अकील।